हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? फिर से पढ़ेंगे ईवीएस। ईवीएस में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? 14 चैप्टर। और चैप्टर का टॉपिक क्या है? प्लांट्स अराउंड अस। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या रीड किया था? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है? तो अब हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट अराउंड अस। प्लांट इज लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स? आप बताओ, प्लांट्स लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? प्लांट्स लिविंग थिंग्स है। आपको प्रीवियस चैप्टर में हमने इसको बताया था ना कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स है, ठीक है? तो अब हम प्लांट्स के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ते हैं और कि प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, प्लांट्स हमारे लिए किस तरह से इसेंशियल है, हमें प्लांट से क्या खाने को मिलता है, यानी फूड क्या मिलता है, ठीक है? तो अब हम इसको स्टडी करते हैं, इस चैप्टर को, ठीक है? स्टार्ट करते हैं प्लांट अराउंड अस। जब हम स्कूल से आते हैं, जब स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल के लिए आते हैं, तो क्या मिलता है हमें चारों ओर? चारों ओर क्या दिखाई देता है? प्लांट्स दिखाई देता है ना। कुछ स्मॉल प्लांट्स दिखाई देते हैं, कुछ बिग प्लांट्स दिखाई देते हैं। तो कुछ ट्रीज होते हैं, कुछ स्मॉल प्लांट होते हैं, ठीक है? उस तरह से छोटे छोटे आपको प्लांट्स दिखते हैं, आप उसको देखते हुए आते हो। तो आज हम उसी प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है? ये देखिए प्लांट्स है, डिफरेंट टाइप प्लांट्स है। और ये क्या गया है? होम में डेकोरेट किया गया है, हाउस में। तो सबसे पहले रीड करते हैं हम प्लांट अराउंड अस, यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, ठीक है, क्या क्या लर्न करेंगे। तो सबसे पहले ट्रीज के बारे में हम जानेंगे, ट्रीज क्या होता है, ठीक है? उसके बाद क्या समझेंगे? सर्ब्स के बारे में। उसके बाद है फ्रूट्स, फिर वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, वुड एंड फ्लावर, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक्स के हैं इस चैप्टर के अंदर जिसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है? तो अब आते हैं नेक्स्ट। We see different kinds of plants around us. मतलब हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं? प्लांट्स को देखते हैं। कितने प्लांट्स को? डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को देखते हैं। जैसे कि कुछ बिग प्लांट होते हैं, कुछ बिग प्लांट होते हैं, कुछ स्मॉल प्लांट्स होते हैं। तो वो सब हम अपने चारों तरफ क्या करते हैं? प्लांट्स को हम देखते हैं, ठीक है? सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ प्लांट बड़े होते हैं और कुछ प्लांट छोटे होते हैं, ठीक है? तो आज हम इसमें क्या करेंगे? चारों तरफ के जो प्लांट हम लोग देखते हैं अपने हाउस के अराउंड या स्कूल के अराउंड, तो अब उसके बारे में समझते हैं कि कौन सा बिग प्लांट है और कौन सा स्मॉल प्लांट है। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री, यानी कि जो प्लांट बड़ा होता है वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्री। बिग प्लांट्स कॉल ट्री। जो प्लांट जो होता है छोटे से बड़ा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रीज। तो देखो ये क्या है? ट्रीज है। तो अपने आप हाउस के चारों ओर या अपने अपने वे में, रास्ते में आप देखते होंगे कुछ आपको प्लांट्स मिलते होंगे। जो छोटे होंगे वो प्लांट्स होते होंगे और जो बड़े प्लांट हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रीज, ठीक है? तो अब से आपको क्या होगा, कोई बिग प्लांट दिखेगा तो आप क्या बोलोगे? ट्रीज बोलोगे, ओके? ये क्या है? बिग प्लांट है, स्मॉल प्लांट है, बताइए ये क्या है? बिग प्लांट है। क्या है ये? बिग प्लांट। और ये बिग प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रीज। बिग प्लांट को क्या बोला जाता है? ट्रीज बोला जाता है। तो ये पिक्चर किस प्लांट का है, किस ट्रीज का है, बताइए, गेस करिए कौन सा है ये ट्रीज? ये है बनियान ट्री, YAN ट्री, TRRE, बनियान ट्री। तो ये बनियान ट्री हो गया। बनियान ट्री में जो रूट्स होते हैं ना वो उसके स्टेम से ही निकल जाते हैं, जिसका जो ये देखो ये जो लंबे लंबे है ना ये सब क्या है? रूट है। और ये क्या होता है? ट्री के स्टेम से ही निकल जाता है, ठीक है? इसमें रूट्स क्या होता है? स्टेम से ही होता है। तो इससे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये क्या है?
बनियान ट्री है, ठीक है। नेक्स्ट ट्री देखते हैं कौन सा है, ये क्या है, सी द पिक्चर, विच प्लांट, विच ट्री है, कौन सा ये, कौन से ट्रीज का आप ये है फोटो है, आप बताइए कौन से ट्री का है। नीम का, क्या है, नीम, नीम क्या है, ये नीम है, नीम ट्री है। तो नीम ट्री आपके चारों और आप अपने अपने घर के आसपास देखते होगे ना, तो उसके लीफ से आप पहचान सकते हो ये क्या, इसके लीफ जो है ना पतले पतले होते हैं, तो ये क्या हो गया, नीम का ट्री है, ठीक है। तो ये क्या है, बिग प्लांट है। नेक्स्ट है सर्व्स। अब सर्व्स के बारे में जानते हैं, किसको बोलते हैं, स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड सर्व्स, मतलब छोटे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्व्स बोलते हैं, यानी कि झाड़ी जैसा जिसका पौधा होता है और साइज में क्या होता है, छोटा होता है, वो क्या होता है, सर्व्स होता है। सम एग्जांपल ऑफ सर्व इज रोज, रोज प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये पिक्चर को, सी दिस पिक्चर, विच प्लांट इज दिस, रोज प्लांट, क्या है ये, रोज प्लांट, ठीक है, रोज का प्लांट है, देखो रोज यहाँ पे ऐसे है, ये सब रोज है, रेड रोज है, ठीक है। तो आपके घर पे भी होगा रेड रोज का प्लांट, तो उसको क्या बोलोगे, सर्व्स बोलोगे, क्या बोलोगे, सर्व्स। नेक्स्ट लेट्स गो, ये क्या है, लुक एट दिस, दिस इज सनफ्लावर, ये क्या है, सनफ्लावर है, एस यू एन एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, सनफ्लावर, सनफ्लावर का ये प्लांट है, इसको भी क्या बोलेंगे, सर्व्स बोलेंगे, क्योंकि इसका प्लांट क्या होता है, स्मॉल होता है, साइज में क्या होता है, स्मॉल होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, सर्व्स प्लांट, ओके। अब नेक्स्ट है ये क्या है, हैबिस्कस है, क्या है ये, हैबिस्कस, क्या है ये, हैबिस्कस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरहुल बोलते हैं, है बिस्कस, ठीक है, सी यू एस, हैबिस्कस। तो ये होगा हैबिस्कस का प्लांट है, तो इसका भी प्लांट क्या होता है, छोटा होता है हैबिस्कस का, तो इसको क्या बोलते हैं, सर्व्स प्लांट बोलते हैं। ये क्या है, एग्जांपल है किसका, सर्व्स प्लांट्स का, कौन कौन एग्जांपल हुआ सर्व्स प्लांट्स का, रोज एंड सनफ्लावर एंड लास्ट इज हैबिस्कस, ओके। तो इसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं, अरहुल का फूल बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, We get most of our food from plants. हम लोग को प्लांट से क्या होता है, बहुत सारे खाने की चीजें मिलती हैं, किससे, प्लांट के द्वारा हम लोग बहुत सारी चीजें खाने के लिए प्राप्त करते हैं, जैसे कि आपका हो गया सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हुआ, सब क्या करते हैं हम लोग, प्लांट से ही तो पाते हैं ना, प्लांट्स नहीं रहते तो क्या आप कोई फ्रूट्स पाते, आपको कोई फ्रूट्स मिलता, या फिर आप कोई वेजिटेबल खा पाते, प्लांट से ही तो आपको क्या मिलता है, फूड्स मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, पल्सेस मिलता है, सीरियल्स मिलता है, ये किससे मिलता है आपको, प्लांट से ही मिलता है। अगर प्लांट्स नहीं होते तो क्या हम लोग लाइफ होता हम लोग का, नहीं होता, क्योंकि हम लोग जब फूड ही नहीं प्राप्त करते, जैसे खाना ही नहीं खाते, तो फिर लाइफ कैसे लीड करते, इसलिए क्या है पल्स, इसलिए हम लोग को क्या करना है, जैसे हम लोग बिना प्लांट्स के नहीं लीव कर सकते हैं, जब प्लांट से हमें डिफरेंट टाइप के फूड्स प्राप्त होते हैं जो हम उसको यूज करते हैं, किसमें, खाने के लिए। अब वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो प्लांट से प्राप्त होती हैं, मतलब हम कौन कौन सी चीजें हैं जो प्लांट से लेते हैं खाने के लिए, तो अब चेक करते हैं, वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि फ्रूट्स को कैसे, वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट, यानी फ्रूट्स जो है प्लांट से हमें प्राप्त होता है, तो कौन कौन सा फ्रूट्स होता है, तो उसके बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं। ये फ्रूट्स लिस्ट,
ये देखो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स है, ये क्या है ग्रेप्स है, क्या है ग्रेप्स, कहाँ से मिलता है प्लांट से, ये क्या है पाइनएप्पल, कहाँ से मिलता है प्लांट से, एप्पल कहाँ से मिलता है प्लांट से, पियर कहाँ से मिलता है प्लांट से, बनाना प्लांट से, लीची प्लांट से, तो जितने भी फ्रूट्स हैं वो कहाँ से हम लोग को मिलते हैं प्लांट से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट, हम लोग को सारी चीजें जो हैं खाने के लिए फ्रूट्स जो है वो कहाँ से मिलती हैं प्लांट से मिलती हैं, ठीक है, एप्रिकोट हो गया, फिर फिग हो गया, कीवी हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है, स्ट्रॉबेरी हो गया, चेरीज हो गया, गुआवा हो गया, ये सब क्या है फ्रूट्स नेम है, ठीक है, तो सामने आपको पता चला कि आपको फ्रूट्स कहाँ से मिलता है, आपको फ्रूट्स कहाँ से मिलता है तो प्लांट से मिलता है, कहाँ से मिलता है फ्रूट्स प्लांट से, ठीक है, वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट, तो हम लोग अब आज जान गए कि हम लोग को जो फ्रूट्स है वो कहाँ से मिलता है प्लांट से मिलता है, अब देखते हैं और क्या प्लांट से मिलता है हम लोग को, नाउ लेट्स गो, प्लांट वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स, और फ्रूट्स के अलावा अब हम लोग को वेजिटेबल भी कहाँ से मिलता है प्लांट से मिलता है, कहाँ से मिलता है वेजिटेबल प्लांट से, प्लांट से पहले हम लोग को फ्रूट्स मिला, अब क्या मिला वेजिटेबल्स, अब देखते हैं कौन कौन से वेजिटेबल्स है जो प्लांट से मिलते हैं, लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, ये देखिए ये लिस्ट है वेजिटेबल्स का, तो ये क्या है ब्रिंजल, ब्रिंजल कहाँ से मिलता है प्लांट से, कैप्सिकम प्लांट से, पोटैटो प्लांट से, पोटैटो ओनियन प्लांट से, कैरेट प्लांट से, कैबेज एंड बीटर गार्ड, टोमेटो ड्रिल टर्निप स्पाइनी गार्ड, ग्रीन पीस, कॉलीफ्लावर, बीट रूट, स्पेंज, एलिफेंट याम, फेनग्रिक, ब्रोकली, स्नेक गार्ड, मशरूम, कुकुम्बर, रेडिस, लेडीज फिंगर, ये सब क्या है वेजिटेबल्स हैं जो कहाँ से हमें मिलते हैं प्लांट से मिलते हैं, तो आपको आज पता चल गया कि आपके जो वेजिटेबल्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे प्लांट से मिलते हैं, आपके आसपास जो है आपका जो फील्ड होगा आपका वो खेत होगा आप वहाँ पे जाओगे तो आप देखते हो कि बहुत डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, जब आपने कभी देखा है पोटैटो का प्लांट, छोटे छोटे पोटैटो का प्लांट जो जमीन के अंदर पोटैटो होता है, तो जमीन का जब हम उसको सॉइल को निकालते हैं तो उसके अंदर पोटैटो होता है, ठीक है, ब्रिंजल का आपने देखा है प्लांट, ब्रिंजल का, चिली का, ग्रीन चिली का आप अपने घर पे भी लगा सकते हो, बहुत सारे प्लांट्स वेजिटेबल्स के जो आपके घर में स्पेस होगा तो आप उसको फ्लावर जो वेस्ट होता है उसमें आप उसमें मिट्टी डाल के और कुछ प्लांट्स घर पे भी लगा सकते हो, आप देखोगे कि कैसे प्लांट ग्रो करता है और उससे कैसे आपको वेजिटेबल मिल सकता है, आप छोटे छोटे प्लांट जैसे ब्रिंजल का प्लांट अपने घर में लगा सकते हो, फ्लावर उसमें वेस में लगा सकते हो, तो आपको देखोगे आपको फिर क्या आप उसमें पानी डालोगे तो आप उसके बाद उसको कुछ दिन के बाद वो ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद उसमें फ्रूट्स आएगा, उसके बाद क्या आपको वेजिटेबल्स मिलने लगेगा, कौन सा वेजिटेबल्स में आप जैसे पीज का है, टोमेटो का है, ये सब आप वेजिटेबल घर पे भी लगा के चेक कर सकते हो, ठीक है, तो ये क्या है वेजिटेबल्स का लिस्ट है, कहाँ से मिलता है वी गेट वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट, तो हमें लोग को कहाँ से वेजिटेबल मिलता है प्लांट से मिलता है, अब हम देखेंगे क्या प्लांट, अब प्लांट से और क्या चीजें मिलती हैं, वी गेट सेरल्स एंड पल्सेस, मिस्टेक है ये, वी गेट सेरल्स एंड पल्सेस फ्रॉम प्लांट, यानी कि अब पहले हम लोगों को क्या मिला फ्रूट मिला, नेक्स्ट क्या मिला वेजिटेबल, अब क्या मिल रहा है सीरल्स एंड पल्सेस, सीरल्स मीन्स क्या होता है अनाज होता है, पल्सेस मीन्स क्या होता है दाल, यानी मतलब हम लोग को अनाज और दालें भी ये कहाँ से मिलती हैं प्लांट से मिलती हैं, तो फ्रूट्स मिल गया वेजिटेबल्स मिल गया अब सीरल्स मिलेगा और पल्सेस मिलेगा, किससे मिलेगा प्लांट से, तो ये क्या है, ये क्या है वीट का प्लांट है, ये है बार्ली का प्लांट,
ये क्या है, राइस का प्लांट है, ये मेज का यानी मक्का का, ये ओट्स का और ये मिलेट का, ठीक है। तो ये सारे क्या है, सीरियल्स के है प्लांट, एग्जांपल ऑफ सीरियल्स। ये क्या है, सीरियल्स के नाम से नेम्स है सॉरी। और ये क्या है, सीरियल्स के फोटो, ये देखो डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स है, कौन कौन से हैं, वीट है, बार्ली है, राइस है, मेज है, ओट्स एंड मिलेट है, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलेगा, आपके जो खेत है, फील्ड है, उसमें भी आपको क्या मिलेगा, वीट का प्लांट मिलेगा। आपके यहाँ राइस होता होगा तो राइस का भी प्लांट देखते होगे आप, तो सब कहाँ से आपको मिलता है, ठीक है। आपको कहाँ से मिलता है ये सारी चीजें, जो सीरियल्स हैं कहाँ से मिलती हैं आपको, कहाँ से मिलती हैं सीरियल्स, प्लांट से मिलती हैं। फ्रूट्स कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। और वेजिटेबल्स कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। तो ऑल जो फूड्स हैं वो आपको कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से। नेक्स्ट, अब इसमें सीरियल्स हो गया, अब पल्सेस के बारे में देखेंगे, कौन कौन से पल्सेस होते हैं। ये है डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस की लिस्ट है। ये क्या है, येलो मूंग दाल है। मूंग दाल क्या होता है, पल्सेस होता है। जो दाल होती है ना उसको क्या बोलते हैं, पल्सेस। आप लोग दाल खाते हो, सभी बच्चों को दाल खाना चाहिए, क्योंकि दाल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन होगा तो आप लोग क्या हो गए, ग्रो करोगे, यानी आपकी हाइट जो है वो इंक्रीज करेगी। इसलिए हमेशा आप लोगों को क्या खाना चाहिए, पल्सेस खाना चाहिए, दाल खाना चाहिए घर पे जाके। और आप हमेशा स्कूल से जब जाते हो घर, तो वहाँ पे आपको दाल जरूर खाना चाहिए, ठीक है। बिना दाल के नहीं रहना चाहिए, मतलब आपको ग्रो करना है ना, आप छोटे छोटे बच्चे हो तो आप खाओगे तो तभी तो ग्रो करोगे ना। तो खाओगे क्या, पल्सेस खाओगे, यानी दालें खाओगे। मूंग दाल है, चना दाल, ये क्या है, लेंटीज है, मसूर इसको मिलते हैं, मसूर दाल, ये है मूंग, मूंग दाल, ये है उड़द का दाल, यानी ये खरा उड़द है। उसके बाद है ये छिला हुआ उड़द है, रेड बीन्स है, ये है काबुली चना है, ये है ग्रीन मूंग, और क्या है, तूर दाल, यानी रहर की दाल को बोलते हैं तूर दाल, ये सोया बीन्स, और ये क्या है, मोथ बीन्स। ये जो है डिफरेंट टाइप के दाल्स हैं, इससे दाल्स को खाने से क्या होता है, हमें को प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो जब भी आपको अगर नहीं भी दाल खाने का मन हो तो प्लीज आप खाया करो, ताकि आप ग्रो कर सको, ठीक है। तो अब हमें बताओ क्या क्या प्लांट से मिला। तो हमें अभी क्या 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 मिला, फ्रूट्स मिला, वेजिटेबल्स मिला, सीरियल्स मिला और पल्सेस मिला। और चेक करते हैं क्या मिलता है हमें प्लांट से। We get spices from a plant. अब हमें क्या मिला, spices. अब क्या मिल रहा है, spices यानी मसाला। हमें कहाँ से मिलता है, plant से। Plant से क्या मिला, पहले तो मिला fruits, vegetables, cereals, pulses. अब क्या, spices. तो अब हम spices के बारे में knowledge gain करते हैं। Spices कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे ये spices है जो मम्मी सब्जियों में डालती है ना, स्पाइसेस, जिससे सब्जी टेस्टी होती है, वही स्पाइसेस है ये। ये क्या है, क्लूब है। क्लूब मीन्स क्या होता है, लौंग। क्या होता है, लौंग। ये क्लूब की फोटो है। नेक्स्ट, ये क्या है, कार्डमोन है, यानी ग्रीन, ये जो है इलायची है, छोटी इलायची जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग इसको किस में डालते हैं, चाय में डालते हैं या फिर सब्जी में डालते हैं, तो सब चाय भी टेस्टी होती है और सब्जी भी टेस्टी होती है। तो ये आप क्या है, स्पाइसेस है कुछ, सम एग्जांपल ऑफ स्पाइसेस। ये क्या है, कुमिन सीड है। क्या है, कुमिन सीड मीन्स क्या होता है, जीरा, ठीक है। कोई भी सब्जी बिना जीरे की नहीं बनती है। दाल में आप देखोगे कि मम्मी कभी कभी दाल बनाती है तो उसके अंदर जो छौंक डालती है वो जीरे से डालती है, तभी तो क्या है, जीरा का बहुत सारा यूज है। आप जीरा को ऐसे भी खा सकते हैं, जीरा जो है सब्जियों में डाली जाती है। कभी आप अपनी मम्मी से जाके पूछना, मम्मी सब्जी में कौन कौन सी आप स्पाइसेस डालते हो, तो बताएंगे आपकी कुमिन सीड यानी जीरा भी डाला जाता है, जिससे सब्जी क्या होती है, टेस्टी होती है। ये क्या है,
टर्मरिक, टर्मरिक मीन्स क्या होता है, हल्दी। टर्मरिक का बहुत सारा यूज है, टर्मरिक हम लोग सब्जी में भी डालते हैं और दाल में भी डालते हैं और इसका इसका जो है मेडिसिन में भी यूज होता है। ये क्या है सर, ये एंटीसेप्टिक है। तो ये क्या होता है, टर्मरिक क्या है, स्पाइसेस है। ये हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से, ठीक है, ऑल्सो गेट फ्रॉम प्लांट। सब क्या है, हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से, ठीक है। तो स्पाइसेस भी मिल गया प्लांट से, कौन कौन से स्पाइसेस हमने देखा, क्लूव, उसके बाद कार्डेमोन, उसके बाद कुमिन सीड, अब क्या है, टर्मरिक, ठीक है। तो ये आपको स्पाइसेस भी किससे मिला, प्लांट से। प्लांट अराउंड अस, वी गेट वुड फ्रॉम प्लांट एंड मेक फर्नीचर एंड अदर यूजफुल थिंग्स। मतलब प्लांट से हमें खाने के अलावा अब क्या मिल रहा है, वुड मिलता है, यानी लकड़ी भी मिलती है प्लांट से, जिससे क्या होता है, फर्नीचर बनाया जाता है। जैसे आपके स्कूल में डेस्क है, वो किससे बनाया हुआ है, वुड से बनाया हुआ। वो वुड कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। जब प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, वो सूख जाता है तो उसको जब काट दिया जाता है तो उसके जो स्टेम को क्या करते हैं, हम उसको ड्राई कर लेते हैं और वो क्या होता है, वुड बन जाता है। जब वो बहुत दिन तक धूप में सूखता है उसके बाद वो वुड बन जाता है, उसके बाद उसे क्या बनाया जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है। उसको कटिंग किया जाता है और उसके बाद वो फर्नीचर बनाता है। कौन फर्नीचर बनाता है बताइए, कारपेंटर। तो वी अब हमने पता, वी गेट वुड फ्रॉम प्लांट टू मेक द फर्नीचर एंड अदर, मतलब फर्नीचर बनाने के कारण के साथ साथ और भी चीज़ों में प्लांट का यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने फूड के लिए यूज किया, उसके बाद अब क्या करते हैं, फर्नीचर बनाने में। फर्नीचर में अब कौन कौन सा फर्नीचर बनता है, जैसे आपका हो गया टेबल, हो गया चेयर, हो गया ये क्या है, चेयर, ये किससे बना है, वुड से। क्या चीज से, वुड से। और वुड कहाँ से मिलता है, ऑल्सो गेट फ्रॉम प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेबल है, तो टेबल कहाँ से मिला, प्लांट से। प्लांट से क्या मिला, वुड मिला, और वुड से क्या बना, टेबल। तो कहाँ से मिला ये वुड, प्लांट से। कहाँ से मिला, प्लांट से। ये क्या है, बैट। अब देखिए फर्नीचर के साथ साथ आपका जो प्ले का सिस्टम, मतलब आप जो गेम करते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो उसमें जो बैट यूज होता है वो किस चीज से बना होता है, वो भी क्या होता है, वुड से बना होता है। और वुड कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो बताइए आपका फर्नीचर भी बना प्लस आपका प्लेइंग मटेरियल भी बन रहा है, किससे, वुड से। और कहाँ से मिल रहा है वुड, प्लांट से। ऑल आर गेट फ्रॉम प्लांट। ये क्या है, पेंसिल। क्या है, पेंसिल। पेंसिल से आप क्या करते हो, राइट करते हो ना, यूकेजी क्लास पेंसिल से राइट करते हो ना। पेंसिल किस चीज से बनी होती है, चेक करो अपना पेंसिल। पेंसिल किससे बनी होती है, वुड से। वुड कहाँ से मिलता है, प्लांट से। कहाँ से मिलता है, प्लांट से। तो सपोज करो अगर प्लांट नहीं रहेगा तो ना ही आपको फ्रूट्स मिलेगा, ना ही वेजिटेबल्स मिलेगा, ना ही स्पाइसेस मिलेगा, ना ही सीरल्स मिलेगा, ना ही पल्सेस मिलेगा, तो आप लाइफ लीड कैसे करोगे। तो प्लांट हमारे लिए कैसे है, यूजफुल है ना। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के यूजेस है किसके, प्लांट से। अब देखते हैं और क्या यूज होते हैं प्लांट्स में। फ्लावर इज ऑल्सो मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, बहुत ही सुंदर होता है। प्लांट का एक पार्ट होता है जो बहुत ही सुंदर होता है। प्लांट अगर फ्लावर नहीं होगा तो आपका डेकोरेशन अधूरा रह जाएगा। कोई भी डेकोरेशन होता है उसमें प्लांट फ्लावर्स का यूज होता है। जैसे भगवान की जो हम लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसमें भी हम लोग फ्लावर को चढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो वो फ्लावर कहाँ से आपको मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो देखिए तो प्लांट से के बिना तो बिल्कुल ही क्या है, हम लोग लाइफ ही लीड नहीं कर पाएंगे। कलरफुल जैसे प्लांट बहुत डिफरेंट कलर्स के क्या होते हैं, फ्लावर मिलते हैं, और फ्लावर से ही क्या कलर बनाया जाता है। कलर जो आपका कलर होता है ना, जो आप होली में खेलते हो कलर्स, वो भी किससे बनाया जाता है, प्लांट से ही बनाया जाता है, उनके फ्लावर से बनाया जाता है। फ्लावर से डिफरेंट टाइप के आपके क्या कहते हैं, कलर्स बनाए जाते हैं, जो यूज होते हैं आपके क्लॉथ्स बनाने में। क्लॉथ्स आपका होता है ना कलरफुल, वो क्या होता है, प्लांट से ही कलर उसको निकाल के और क्लॉथ्स को क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूज हुआ ना प्लांट्स का। अब देखिए फ्लावर्स से भी क्या यूज हुआ,
कलर बनाना, फिर उसका डेकोरेशन करना, ये कौन सा प्लांट्स है? सी दिस पिक्चर, ये कौन सा प्लांट है बताइए? लोटस का है। किसका है? लोटस का। ये क्या है? लोटस का फ्लावर है। तो लोटस का फ्लावर आपने देखा है किस कलर का होता है? पिंक कलर का या व्हाइट कलर का, टू कलर का होता है ना लोटस। तो ये क्या है? लोटस फ्लावर है। और लोटस फ्लावर क्या होता है? नेशनल फ्लावर है। ये कौन सा फ्लावर है? सी दिस पिक्चर, दिस इज रोज। ये क्या है? रोज का, रोज फ्लावर है। रोज फ्लावर है ना, रोज तो डिफरेंट कलर का होता है, येलो होता है, पिंक होता है, वाइट होता है, पर्पल होता है, रेड होता है, ठीक है? तो डिफरेंट कलर्स के होते हैं ना फ्लावर। तो ये कौन सा फ्लावर है? रेड कलर का। ये कौन सा फ्लावर है? सन फ्लावर। ये क्या है? सन फ्लावर, सन फ्लावर है ये। इसका कौन सा कलर है? येलो। ये भी डिफरेंट कलर का पाया जाता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं इसके भी। किसके? सन फ्लावर के। तो फ्लावर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। तो हमें अभी तक क्या क्या मिला प्लांट से? हमें फ्रूट्स मिला, वेजिटेबल्स मिला, सीरियल्स मिला, पल्सेस मिला, स्पाइसेस मिला, एंड उसके बाद वुड्स मिला। अब क्या मिल रहा है? फ्लावर मिल रहा है। तो ये क्या हुआ? कितने चीज़ें हमको फ्लावर से मिली? बहुत सारी चीज़ें मिली, ठीक है? विदाउट फ्लावर आई कांट लिव। हम लोग क्या? वी कांट लिव। हम लोग कभी उसको क्या करते हैं? बिना प्लांट्स के हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी लाइफ को लीड नहीं कर सकते, जी नहीं सकते। प्लांट्स नहीं रहेगा तो हम लोग खाना नहीं मिलेगा, प्लांट्स नहीं रहेगा तो हमको फर्नीचर नहीं मिलेगा, प्लांट्स नहीं रहेगा तो लिखने के लिए पेंसिल नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये सब कहाँ से आता है? प्लांट्स से आता है। तो हमारे लिए प्लांट्स क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट थिंग्स है हमारे लिए प्लांट्स। तो अब ये जो है आपका चैप्टर फिनिश हो गया। अब एक्सरसाइज करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। चूज एंड अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को अंडरलाइन करना है। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड सर्व। अब बताइए बिग प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं या सर्व बोलते हैं? अभी जस्ट हमने स्टडी किया था ना, लर्न किया था ना, बिग प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। क्या बोलेंगे? ट्रीज। We get most of our food from plants and chemical. अब बताइए हमें प्लांट से केमिकल मिलता है या फिर क्या मिलता है? फूड मिलता है। तो हमें किससे फूड मिलता है? प्लांट से मिलता है या केमिकल से मिलता है? तो ऑब्वियसली प्लांट से मिलता है। तो इसको किसको करेंगे? प्लांट्स को अंडरलाइन करेंगे। बनाना इज द फ्रूट्स वेजिटेबल। बनाना क्या है? बनाना फ्रूट्स है या वेजिटेबल है? अब बताओ बनाना क्या है? फ्रूट्स है, ऑब्वियसली फ्रूट्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या अंडरलाइन करेंगे? फ्रूट्स को। टर्मरिक इज अ फ्लावर स्पाइस। अब टर्मरिक क्या है? हल्दी क्या है? हल्दी, हल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्मरिक। और टर्मरिक को क्या यूज है, क्या यूज करते हैं उसको? स्पाइस में। किस में यूज करते हैं? स्पाइस में। तो यहाँ किसको अंडरलाइन करेंगे? स्पाइस को। अब फिल इन द ब्लैंक्स विथ हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स, प्लांट, वुड, फ्लावर एंड सर्व्स। मतलब ये आपको क्या करना है? ये ब्लैंक को फिल करना है और इसमें से जो सुटेबल वर्ड्स है उसको यहाँ पे पुट करना है। स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड सर्व्स। क्या बोलेंगे? सर्व्स बोलेंगे, SHRUBS, ठीक है? ये फिल हो गया। वी गेट, अब इसको क्रॉस कर देंगे, ये फिल हो गया। तो We get most of our food from, हम लोग को जो most चीज़ें होती हैं वो कहाँ से मिलती हैं, किससे मिलती हैं? प्लांट से। तो ये यहाँ पे फील करेंगे PLANTS, प्लांट्स। तो इसको क्रॉस कर देंगे, ये पुट हो गया। We get dash from plant to make furniture. अब हमें प्लांट से क्या मिलता है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं? ऑब्वियसली वुड्स मिलता है। तो यहाँ पे ये वुड है, तो यहाँ पे फील करेंगे WOOD, ये वुड हो गया। तो इसको क्रॉस कर देंगे, ये भी फुल फील हो गया। अब कितना बचा? एक फ्लावर। ओके, नाउ दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो एक फ्लावर ही बच गया था, तो यहाँ पर क्या करेंगे? फ्लावर को पुट करेंगे, FLOWER। A flower is the beautiful part of the plant. तो ये आपका filling the blanks complete हो गया। अब next आते हैं, ये आपका match the following। क्या करना है?
फोटोग्राफ से, और जो ये आपका लिखा हुआ है स्पाइसेस फ्रूट्स, ये जो थिंग्स हैं उसको क्या करना है, फोटोग्राफ से मैच करना है। ठीक है, तो फ्रूट्स का फोटो देखो, फ्रूट्स कौन सा है, फ्रूट्स की लिस्ट कौन सी है, तो ये आपकी फ्रूट्स की लिस्ट यहाँ पे है। देखिए फ्रूट्स कौन से, ग्रेप्स है, पाइनएप्पल है, बनाना है, लीची है, तो ये सब फ्रूट्स के नेम से, तो ये फ्रूट से मैच हो गया। वेजिटेबल कौन सा है, अब वेजिटेबल का लिस्ट देखेंगे, तो वेजिटेबल की लिस्ट में आपका क्या है, कैरेट है, ओनियन है, पोटैटो है, ब्रिंजल है, तो ये क्या है, वेजिटेबल्स है, तो वेजिटेबल्स को मैच करेंगे। ओके, पल्सेस है, तो पल्सेस देखो कहाँ पे हैं, दालें कहाँ हैं, ये है, ये लिस्ट है, तो ये मैच हो गया। स्पाइसेस कहाँ है, क्लूव मीन्स क्या होता है, लॉन्ग, ये यहाँ पे स्पाइसेस हो गया, तो ये इस तरह से मैच हो गया। तो सब ये कंप्लीट हो गया मैचिंग आपका। अब नेक्स्ट आते हैं, नहीं गया, अब नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज में, कुछ वर्ड में डिफिकल्ट वर्ड्स हो जिस चैप्टर से, तो वो हम लोग थोड़ा सा उसका मीनिंग पता करते हैं। ये क्या होता है, वर्ड्स, तो क्या है वर्ड मीनिंग में, ये क्या है वर्ड और ये उसका मीनिंग है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं काइंड्स। काइंड्स मीन्स क्या होता है, काइंड्स मीन्स क्या होता है, काइंड्स मीन्स होता है क्या होता है, टाइप्स, टाइप्स यानी प्रकार। We get different types of things from plant. हम लोग कहाँ बहुत सारी चीजें किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती है, तो यहाँ पे kinds means क्या हो गया, type, type means प्रकार। Okay? Around, around means क्या होता है, near, और near means पास, या फिर चारों ओर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पास या चारों ओर भी लिख सकते हैं। चारों ओर, अराउंड मीन्स क्या होता है, नियर, नियर मीन्स पास या चारों ओर, यानी आप लोग के चारों ओर, चारों ओर हमें क्या मिलता है, वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट अराउंड अस, वी सी, हम लोग चारों ओर क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्या देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं। तो कहाँ देखते हैं, अपने चारों ओर या अपने आसपास क्या देखते हैं, आसपास डिफरेंट टाइप के क्या देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं। तो ये हो गया चारों ओर। सीरल्स, सीरल्स मीन्स होता है ग्रेन, ग्रेन यानी अनाज, हमें कहाँ से मिलता है, सीरल्स मीन्स क्या होता है, अनाज, तो वी गेट सीरल्स फ्रॉम प्लांट, हम लोग को सीरल्स कहाँ से मिलता है, प्लांट से, तो ये सीरल्स मीन्स क्या हुआ, ग्रेन, ग्रेन यानी अनाज। स्पाइसेस, स्पाइसेस मीन्स क्या होता है, मसाले, स्पाइसेस मीन्स मसाले, वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट, हम लोग को डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती है। ओके, पल्सेस, पल्सेस मीन्स क्या होता है, दाल यानी दाल, आप लोग रोज दाल भात खाते हो ना, तो वो दाल कहाँ से मिलती है आपको, प्लांट से मिलती है, तो वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस फ्रॉम प्लांट, मतलब जो पल्सेस है कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। तो ये आपका डिफिकल्ट वर्ड हो गया। अब वर्ड मीनिंग के पास कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, तो क्वेश्चन आंसर में आते हैं हम, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर ट्री, मतलब ट्री किसको कहते हैं, यानी पेड़, ट्री मीन्स क्या होता है, पेड़ किसको कहोगे, पेड़ किसको कहोगे, आपको पता है ना, अभी जस्ट हमने स्टडी किया ना कि ट्रीज किसको कहेंगे, व्हाट आर ट्रीज होगा यहाँ पे, द पिक प्लांट आर, सॉरी यहाँ पे आर राइटिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, द बिग प्लांट आर ट्रीज, बिग प्लांट को क्या कहेंगे, ट्रीज कहेंगे, बिग प्लांट्स आर ट्री, यानी जो प्लांट बड़े हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। कोई आप भी बताओ, हिंदी में पेड़ बोलते हो ना, तो क्या छोटे छोटे पौधे को बोलते हो, छोटे छोटे प्लांट को तो पौधा बोलते हो, बड़े वाले ट्री को क्या बोलते हो, पेड़ बोलते हो ना, उसको पौधा तो नहीं बोलते, तो वही पूछ रहा है कि आप पेड़ किसको बोलोगे, तो हम लोग पेड़ उसको बोलेंगे जो प्लांट बड़ा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। द बिग प्लांट्स आर ट्रीज, व्हाट आर शर्ब्स, यानी शर्ब्स क्या, यानी शर्ब्स मीन्स होता है झाड़ी। ओके, तो शर्ब्स किसको बोलते हैं, द स्मॉल प्लांट्स आर शर्ब्स,
जो छोटा छोटा प्लांट होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्व्स बोलते हैं। अब एग्जांपल ऑफ सर्व्स का बताओ, रोज प्लांट, सनफ्लावर है, हिबिस्कस, ये क्या है, एग्जांपल ऑफ सर्व्स है। और ट्रीज के एग्जांपल क्या क्या होंगे, मैंगो ट्रीज, बनियान ट्रीज और नीम ट्रीज, एग्जांपल ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट। अब उन चीजों के नाम लिखिए जो आपको प्लांट से मिलती हैं। कौन कौन सी चीजें मिलती है, अभी जस्ट हमने रीड किया था, लर्न किया था, कौन कौन सी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरल्स, पल्सेस, वुड्स एंड फ्लावर्स। तो बस उसी चीज के हमको नाम राइट कर देना है, द नेम ऑफ थिंग्स आर, तो उन चीजों के नाम है फ्रूट्स, वुड्स, सीरियल्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। तो ये क्या है, हमें क्या मिलते हैं प्लांट से, फ्रूट्स मिलता है, वुड्स मिलता है, सीरियल्स मिलता है, पल्सेस मिलता है, स्पाइसेस मिलता है, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। तो ये क्या है, हमें क्या मिलते हैं, वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स पल्सेस फ्रॉम द प्लांट। हम लोग को जितनी भी चीज़ें खाने की होती हैं या फिर बनाने की, ओट्स, सब सब क्या से मिलता है, हम लोग को प्लांट से मिलता है। तो प्लांट क्या है, हमारे लिए बहुत यूजफुल थिंग्स है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो फिनिश हो गया, हमने क्या कर लिया, चैप्टर को रीड कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, फिलिंग द ब्लैंक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, चैप्टर 15 पढ़ेंगे, वो क्या होगा, एनिमल अराउंड अस। ठीक है दोस्त, ठीक है चिल्ड्रंस, तो अब हम इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। बाय, हैव अ नाइस डे।